क्या बात है, आज आपके चेहरे पे अजीब सी उलझन है, कोई खास बात? नहीं बद्रुबा, मैं तो ये बताना चाहता हूँ तुम्हें कि हमारी कुर्बानियों का इस घर में कोई कदर नहीं है। अब हम दोनों को जो भी करना है सोच समझ कर करना है, समझ रही हो ना? मैं तो बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ, समझते तो आप नहीं है, इसीलिए तो नौकरी छोड़कर घर पे बैठ गए। मधुरिमा, हमारी सोच बहुत दूर की है, पुलिस की नौकरी इतनी आसानी से नहीं जाती है। भैया ने हम पर बहुत एहसान किए थे, तो घर वालों के सामने मैंने नौकरी छोड़कर उनका एहसान उतार दिया, लेकिन घर में किसी को नहीं बताया कि मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है, होल्ड पर रखा है। तो मैं कभी भी लेटर देकर नौकरी पर वापस जा सकता हूँ, यानी नौकरी मुझे फिर से मिल सकती है। अरे वाह, आप तो बहुत समझदार हैं। मैं तो आपको सच बताऊं, बुद्धू समझ रही थी। बुद्धू? जाने मन आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि मुझे प्रेम के एक शब्द याद है। चाचा, पापा के खिलाफ आपको कौन कौन से सबूत मिले? लेकिन ये बात घर में फैलाई तो आप नहीं है। अरे कोई बाहर वाला तो घर में आके कहता नहीं है उन्होंने कौन से जुर्म किए हैं, कितने पुण्य किए हैं, कितने पाप। इस बात को फैलाने वाले आप हैं चाचा, सिर्फ आप। और हाँ, आप ये कैसे भूल गए कि आपको ये जो नौकरी मिली है वो भी पापा की वजह से, आपने जो पढ़ाई की वो भी पापा की वजह से। उन्होंने आपको इस काबिल बनाया क्या, इसलिए कि आप पापा पे ही उंगली उठा सके? अरे लानत है आप पर और आपके भाई होने पर। इस घर में रहकर इस घर के साथ धोखा किया इन्होंने। प्रेम, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम चलो अंदर, चलो अंदर। आपने जो पढ़ाई की, आपने जो पढ़ाई की वजह से उन्होंने आपको इस काबिल बनाया, आपको क्या इसलिए, क्या इसलिए उंगली उठा सके? अरे लानत है आप पर, अरे लानत है आप भाई होने पर। क्या सोच रहे हैं आप? कहीं आप भी वही तो नहीं सोच रहे जो मैं सोच रही हूँ? तुम बिल्कुल सही कह रही हो मधुरिमा, हम दोनों पति पत्नी हैं, जो जिसमें एक जान, तो हमारी सोच कहीं ना कहीं तो मिलेगी, है ना? सच कह रहे हैं आप। ये लीजिए। मैं इतना खाना खाऊंगा, आओ तुम भी खाओ। आपको जितना खाना है खा लीजिए, मैं बाद में खाऊंगी। बाद में खा लूंगा मतलब? अभी खाओ। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? चुप, बैठो यहां और तुम भी खाओ। अब ये सारा खाना तुम खाओगी। अब ये सारा खाना तुम खाओगी। खा क्यों नहीं रही हो? इसमें जहर मिला के लाई हो क्या?
ऐसा क्यों कह रहे? मैं आपके लिए क्यों जहर मिलाऊंगी? उससे पहले मैं खुद जहर नहीं खा लूं। इसमें जहर नहीं है तो खा क्यों नहीं रही हो? लो खाओ खाओ खाओ, मैं कहता हूं। मैं खाती हूं। खाओ, जल्दी खाओ। पत्नियां प्लेट साफ करके खाती, समझी? खाओ। की इच्छा नहीं। दो दिन से तुमने कुछ नहीं खाया। जिंदा रहने के लिए थोड़ा ही सही, खाना तो पड़ेगा स्वाति। ऐसे जिंदा रहने से क्या फायदा? लेकिन आप भी तो मेरे बगैर कुछ नहीं खाते। हम में इतना प्यार तो है स्वाति, मुझे खिलाने के लिए तुम भी दोने वाला खा लेती। कम से कम पानी तो पी लो। you
सरक जाने का मतलब समझते हैं? मतलब आपको कोई याद कर रहा है? और मुझे मेरी बेटी के अलावा कौन याद कर सकता है? हाँ स्वाति, हाँ, हम भी तो उसे याद कर रहे हैं। फिर वो हमारी बेटी है, उसके कह देने से हम रिश्ता थोड़ी तोड़ देंगे। ये रिश्ता तो मरते दम तक रहेगा। फिलहाल हम उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हम ये तो नहीं जानते कि वो किस हालत में होगी। उस पर पता नहीं कौन कौन से जुल्म किए जा रहे होंगे। तुम ठीक कह रही हो स्वाति, इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस पर क्या गुजर रही होगी जो उसने फोन करके रिश्ता तोड़ने की बात की। अब मैं चुप नहीं रहूंगा, जमीन आसमान एक कर दूंगा, लेकिन अपनी बेटी के साथ ना इंसाफी नहीं होने दूंगा। बहुरानी, खाना देकर आ गई अपने पति देव को? क्या हुआ, खामोशी क्यों लग रही हो? मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, इतना सब कुछ होने के बाद भी बेचारा प्रेम तुम्हारे हाथों का खाना कैसे खा रहा है? अब प्रेम बाबू ने खाना मंगाया था तो खाया भी जरूर होगा, क्यों आरती? अच्छा है ना मधुरी माँ, ये पतिव्रता का धर्म निभा रही है और वो बेचारा पत्नीव्रता का धर्म निभा रहा है। बस कुछ दिनों की तो बात है, उसके बाद ये लड़की बेचारी तरसेगी इस तरह के धर्म निभाने के लिए। जब तक इस घर में है, जब तक प्रेम इसे धक्के मार के बाहर नहीं निकाल देता, पूरी करने दो ना इसे अपनी सारी ख्वाहिश। आप लोगों की बातें सुनकर कोई और होता तो यही कहता कि काश आप लोगों की भी औलादें होती तो शायद दूसरे की भी औलाद का दर्द समझ पाते। मुझे तो लगता है कि भगवान ने आप लोगों को औलाद न देकर बहुत अच्छा किया। मैंने सुना है कि माँ बाप के कर्मों का फल औलाद को ही भुगतना पड़ता है। लेकिन आप लोगों के कर्मों की वजह से पता नहीं किस तरह जी पाते हो। ऊपर वाले ने आप लोगों को औलादे ना देकर बहुत अच्छा किया है। कहीं रे
बफोर, ये वन्ना अभी तक आई क्यों नहीं? क्या बात है दीदी, बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ, मैंने वन्ना को बुलाया है। वंदना को? क्यों दीदी? क्योंकि आज मैं उस आरती का खेल ही खत्म कर दूंगी। ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। क्या मतलब, तुम करने क्या जा रही हो दीदी? ये देख रही हूँ मोहिनी, मरी हुई छिपकली। इसे मैं वंदना को दूंगी और वंदना ज्योति बुआ को, और ज्योति बुआ चुपके से आरती के खाने में इसे मिला देगी। और आरती की राम नाम शक्ति हो जाएगी। नहीं दीदी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। क्यों नहीं करूंगी? पहले तो उसने मुझसे मेरे प्रेम को छीना, और फिर उसने मुझे थप्पड़ मारकर मुझे रखेल कहा, रखेल। अब मैं उसको बताऊंगी कि रखेल क्या होती है। मेरी बात मानो आरती, तुम कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर चली जाओ। तुम्हारी हर सलाह मानूंगी मैं निशा, लेकिन तुम्हारी ये सलाह मुझे रास नहीं आई। देखो आरती, किसी को नहीं मालूम कि किसके दिल में क्या है। तुम ठीक कह रही हो निशा, लेकिन मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। मैं इस घर से नहीं निकलूंगी। मैं उसी दिन निकलूंगी जिस दिन इस घर से मेरी अर्थी निकलेगी। मैं अभी आती हूँ। निशा? अरे दीदी, वंदना कहाँ चली गई? वो बाजार गई है। क्यों, कुछ काम था? नहीं कुछ नहीं।